ऐसे करेगी अनुपमा मालती देवी के घमंड को चूर चूर, नहीं बनेगी गुलाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की एपिसोड जो देखी है आपने, मैंने, सबने देखी है, मुझे उस एपिसोड में शर्मिंदगी महसूस हुई दोस्तों, क्योंकि ये दो ऐसी दिग्गज करेक्टर्स इस धारावाहिक के खड़े थे और इन दिग्गज करेक्टर्स में एक डील हो रही है और जो मेन करेक्टर है अनुपमा, जो इतनी परीक्षा देके सामने खड़ी है, थकी हुई खड़ी है, मगर जो दूसरी गुरु है मालती देवी, वो अनुपमा से बात क्या कर रही है वो सुन के ज्यादा मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो औरतों के सपनों की बात कर रही है, औरतों की आजादी की बात कर रही है कि इस देश में औरतें ऐसा वैसा ऐसी बातें कर रही है, मगर खुद क्या कर रही है अपने घमंड में वो उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या था, शर्मिंदा ही करने वाला था। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा जो पूरे दिल से अपने गुरु को मनाने गई है, उसमें 1% भी मिलावट नहीं है बेईमानी की, 1% भी। मगर गुरु के मन में तो मैल है दोस्तों, गुरु के मन में तो ईगो है, घमंड है। गुरु की ईगो हर्ट हुई है, उस ईगो को और ज्यादा बढ़ाती जा रही है, अनुपमा को सामने से तकलीफ दे रही है और अनुपमा के दिल में तकलीफ ऑलरेडी दे चुकी है समर को पनिश करके। ये कैसी गुरु है इस पे तो सवाल बहुत बार उठ चुके हैं, मगर आज ये कैसी औरत है इस पे सवाल उठते हैं दोस्तों। क्या कह रही थी मालती देवी अनुपमा को कि इस देश की औरतों की यही समस्या है, उनको अपने सपने ये वो, ऐसा उन्होंने 2-4 लाइनों में अपनी बातों को कहा। मगर मुझे एक चीज समझाने की, जो मुझे समझने की जरूरत है कि क्या सपने इस तरह से पूरे होते हैं? सपने पूरे होते हैं तो इंसान खिलता है, इंसान खुश होता है। सपने मजबूरी में कैसे पूरे हो सकते हैं? सपने कुर्बानी में कैसे पूरे हो सकते हैं? खास करके उन मां के, जो मां अपने बच्चों के ऊपर हमेशा अपनी जान छिड़कती आई है। तो ये जो मालती देवी का रूप जो सामने आ रहा है दोस्तों, बहुत ही घिनौना रूप है। मालती देवी जिसने आज अपनी सारी सीमाएं पार कर दी, आज अनुपमा को मालती देवी के अंदर उनकी आंखों में घमंड दिखा है दोस्तों। अभी तक अनुपमा को दिखा है उसके दिल ने अभी भी मानना शुरू नहीं किया है, मगर ये घमंड अनुपमा ही तोड़ेगी और एक दिन यही मालती देवी जो अनुपमा से आंख मिला के उससे बदले की बात कर रही है, खुद अनुपमा के पैरों पे गिरेगी और कहेगी हां तुम ठीक थी, मैं गलत थी अनुपमा, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है इसी धारावाहिक में। यहां पे अनुपमा के सामने मालती देवी क्या शर्त रखती है, क्योंकि मालती देवी को पता है कि यह शर्त तो अनुपमा मानने वाली नहीं है। इसी के कारण तो अनुपमा प्लेन से उतरी थी, रिश्तों के कारण, अपनी बेटी के कारण, तो आज कैसे अपने आप को मेरे हवाले कर देगी सारा कुछ छोड़ के। इसलिए मालती देवी ने शर्त रखी, क्योंकि वो मालती देवी है और मालती देवी बर्बाद करना चाहती है अनुपमा की ममता को, अनुपमा से नहीं बल्कि बच्चों पे जुल्म करके। बिकर ले तू अपने बच्चों को सेफ, पहुंच जा घर बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों को मैं अब टॉर्चर करूंगी, मैं तेरी तस्वीर से भी बच्चों की तस्वीर निकाल दूंगी, ऐसा घिनौना सोच लेके बैठी है मालती देवी। अनुपमा ने इतना अच्छा डांस किया, थक गई। आप सोच के देखिए मालती देवी कैसे एक ऐसी एज में, यानी कि एज तो अनुपमा की भी है, उससे डांस करवा रही है एक औरत से इतना रेगुलर। नकुल को भी देख के तरस आ रहा है अपनी बहन पे, मगर मालती देवी इतनी कठोर, बाप रे बाप। अब क्या मालती देवी के गुरुकुल को नुकसान नहीं हो रहा? अमेरिका का सारा बिजनेस छोड़ के यहां पे बैठी है अनुपमा से बदला लेने के लिए। तो ये जो घमंड है दोस्तों, ये अनुपमा तोड़ेगी और अनुपमा जितने मालती देवी जख्म देगी उतना ही अनुपमा उस पे मरहम लगा के तैयार रहेगी। और अगर मालती देवी ने अपनी सीमा इससे भी ज्यादा लांघी तो अनुपमा का चंडी रूप भी मालती देवी देखेगी, क्योंकि यहां पे
माँ की बात हो रही है, मालती देवी माँ से माँ की ममता छीनने की बात कर रही है, तो माँ अपने बच्चों के लिए तो भगवान से भी लड़ जाती है, अपने आप से भी लड़ जाती है, तो ये मालती देवी चीज ही क्या है। तो बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा, मालती देवी टूटेगी और मालती देवी का घमंड भी टूटेगा, और ये मालती देवी अनुपमा से खुद माफी मांगेगी और अनुपमा माफी दे देगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.